इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि यूजर सिस्टम इंटरफेस क्या होता है। यूजर सिस्टम इंटरफेस दरअसल एक ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है, यानी इंसान के और मशीन यानी कंप्यूटर के दरमियान का एक ऐसी स्क्रीन जिसके जरिए ह्यूमन इंसान कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा होता है, वो जो स्क्रीन होती है उसे यूजर सिस्टम इंटरफेस कहा जाता है। अब इसके अंदर बहुत अहम दो चीज़ें हैं कि यूज़र सिस्टम इंटरफेस जो है इसके अंदर हार्डवेयर भी शामिल है और सॉफ्टवेयर भी शामिल है, यानी एक मुकम्मल कंप्यूटर सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर मुश्तमिल होता है। जब भी यूज़र उसको इस्तेमाल करता है तो उसको सबसे पहले हार्डवेयर का सामना करना पड़ता है, तो हार्डवेयर का जो व्यू उसके सामने आ रहा होता है वो भी यूज़र सिस्टम इंटरफेस का हिस्सा है। उसके बाद जब वो मशीन ऑन करता है तो उसके सामने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन आती है जहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं जिसको वो सेलेक्ट कर सकता है, वो भी यूज़र सिस्टम इंटरफेस का हिस्सा है। यानी यूज़र सिस्टम इंटरफेस हमें ये बताता है कि यूज़र और सिस्टम आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, यूज़र कैसे इनपुट देता है सिस्टम को और सिस्टम फिर उसे आगे चल के प्रोसेस करता है। अब अगर हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास जो जनरल कंप्यूटर की एग्जांपल है उसके अंदर जैसा कि ऊपर मैंने बात की कि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक मुकम्मल कंप्यूटर सिस्टम दिखाया गया है जिसमें उसके मुख्तलिफ हार्डवेयर पार्ट जैसे कि मोनीटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं, ये तमाम आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब जो यूज़र होगा वो जब इनको इस्तेमाल करेगा तो उसके सामने उसको एक स्क्रीन का सामना करना पड़ रहा है, इस स्क्रीन पर वो अपने इनपुट्स देगा। अब ये जो स्क्रीन होगी ये दरअसल उसका क्या है, ये उसका यूज़र सिस्टम इंटरफेस है। ये एक जनरल एग्जांपल है ताकि आपको बात यहाँ पे समझ में आ जाए। अब सवाल ही पैदा होता है कि एक यूज़र जो होता है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट किस तरह से कर रहा होता है या वो कंप्यूटर के साथ किस तरह से अपना इनपुट देता है, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ऐसा कि कमांड लाइन इंटरफेस है, इसको भी हम एक बहुत ही डिटेल में एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है, ये तमाम क्या है, यूज़र सिस्टम इंटरफेस की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह एक आता है हमारे पास फॉर्म बेस्ड इंटरफेस, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्म होता है उसको हम फिल करते हैं। और इसी तरह एक लास्ट जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, जो कि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो है नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस। तो जितने भी इंटरफेसेस की मैंने बात की ये तमाम एग्जांपल हैं यूज़र सिस्टम इंटरफेस की। बारी बारी इनको हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस की। तो कमांड लाइन इंटरफेस जो था वो स्टार्ट में जब कंप्यूटर्स न्यू डिवेलप हुए तो हमारे सामने इस तरह की एक ब्लैक स्क्रीन आती थी मोनीटर पर जिसपे हम कमांड्स टाइप करते थे और कंप्यूटर उन कमांड्स के मुताबिक हमारे लिए काम करता था। उसके बाद डेवलपमेंट हुई, जो 90s का जो दौर था वहाँ पे हमारे पास एक जो हमारा सिस्टम इंटरफेस था, यूज़र सिस्टम इंटरफेस था, वो चेंज हुआ। कमांड लाइन इंटरफेस से हमने जंप किया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में और फिर हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है विंडोज़, जो कि हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें डिफरेंट आइकन्स, बटन्स, मेन्यूज़ होते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो ऊपर मैंने बात की कमांड लाइन और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये वो इंटरफेसेज हैं जो हम नॉर्मली घरों में जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी जो कंप्यूटर्स हैं वहाँ पर भी डिफरेंट इंटरफेसेज होते हैं, जैसे कि एक हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस की। यहाँ पर अगर आप कभी ATM मशीन जाते हैं और वहाँ से आपने कुछ पैसे निकालने तो आपने देखा होगा कि आपको एक स्क्रीन नज़र आती है। अब ये जो स्क्रीन यहाँ पर आपको नज़र आती है ये स्क्रीन क्या है, ये दरअसल एक मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है क्योंकि इसमें आपको मेन्यू दिखाया हुआ है, इसमें आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, बैलेंस, कैश विड्रॉल, ये तमाम चीज़ें आपके सामने शो की जाती हैं। और ये हमने तीन एग्जांपल देख ली मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, और इसके अंदर जो फोर्थ एग्जांपल हमने यहाँ पर अभी ऊपर डिस्कस की थी वो थी फॉर्म बेस्ड इंटरफेस। अब ये समझते हैं कि ये क्या होता है। तो फॉर्म बेस्ड इंटरफेस की एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अगर हम लाइब्रेरी के लिए कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लाइब्रेरी का जितना भी रिकॉर्ड है उसके सामने हमारे लिए एक फॉर्म ओपन होगा। जैसे अगर मैंने एक न्यू बुक का रिकॉर्ड ओपन इंसर्ट करना है या डालना है तो उसमें मैं क्या करूँगा कि बुक का टाइटल, ऑथर, पब्लिश किसने किया है, उसका एडिशन कौन सा है, तमाम मालूमात, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं एक फॉर्म में फिल कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो इंटरफेस होता है उसे फॉर्म बेस्ड इंटरफेस कहते हैं। तो अब तक हमने डिफरेंट यूज़र सिस्टम इंटरफेसेस पढ़ लिए हैं जो कि हम डेली लाइफ में हमारा उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है इस तरह के इंटरफेसेस के साथ। अब बात करते हैं फिफ्थ जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस। ये क्या होते हैं इसको समझते हैं।
नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस जो हैं ये दरअसल लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं टेक्नोलॉजी में। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं, हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारी नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करती हैं। अब हमारी नेचुरल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस को रीड कर सकती है। हम क्या करेंगे, अपनी डिवाइस को इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड देंगे और वो हमारी उन कमांड्स के मुताबिक काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे जैसे कि आपको एक स्मार्टफोन नज़र आ रहा है, ये एक आईफोन है। आईफोन की एक एप्लीकेशन आती है सिरी के नाम से। इसको जब आप इंस्टॉल करते हैं तो फिर आप अपनी वॉइस से, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, इस पिक्चर में यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ से आप क्या करते हैं, कमांड्स देते हैं और ये डिवाइस क्या करती है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो कमांड है, जो कि हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, उसको प्रोसेस करती है और फिर आगे चल के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके हमारा जो डिवाइस होती है वो हमें आउटपुट फराहम करती है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है गूगल असिस्टेंट की। जैसे कि अगर आप टाइप नहीं करना चाह रहे और आप गूगल पे कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अपनी वॉइस से कुछ भी आप बात कहेंगे तो वो उसको पिक कर लेगा, वो उसको समझ जाएगा और उसको आपको गूगल पे सर्च करके दे देगा। तो ये एक एग्जाम्पल थी नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसिस की। अब नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस की अगर हम कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ओपन करते हैं google.com। google.com पे आप जाएंगे अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सर्च बाय वॉइस का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे गूगल मुझे ऑप्शन देगा कि जो कुछ भी मैं अभी यहाँ पे कहूँगा तो क्या होगा कि जो भी वर्ड मैं यहाँ पे मुंह से कहूँगा गूगल उसको रीड कर लेगा और रीड करने के बाद उसको सर्च कर लेगा। तो ये जो मेरी आवाज़ रीड कर रहा है वो क्या है, वो नेचुरल लैंग्वेज में है, उसको रीड कर रहा है और उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। तो अब मैं इसको करके देखते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान, अब देखिए यहाँ पे मैंने पाकिस्तान का वर्ड सर्च किया अपने आवाज़ से, तो गूगल ने उसको फ़ौरन पिक कर लिया और पिक करने के बाद उसके रिजल्ट जो हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है गूगल वॉइस असिस्टेंट की, जो कि हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब हम कुछ बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की। इसके अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम कहते हैं सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी। सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी में क्या है कि हम हमारे पास दरअसल एक कैमरा होता है और यहाँ पे इसके साथ एक प्रोजेक्टर कनेक्टेड होता है, और हाथों पे क्या होते हैं, हमारे पास कुछ सेंसर्स होते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप, और हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, एक मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, तो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो इस प्रोजेक्टर के ज़रिए बिल्कुल हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है और हम अपने मोबाइल के डिफरेंट ऑप्शंस को अपनी फिंगर के जेस्चर से, यानी अपनी फिंगर की मूवमेंट से उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको अगर आप देखेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक व्यू आएगा। ये सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी है जिसमें मोबाइल के तमाम ऑप्शंस आपके सामने बिल्कुल एक प्रोजेक्टर की स्क्रीन की तरह आपके सामने अवेलेबल हैं और आप अपने फिंगर से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने फिंगर से उस खास एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमारे यूजर सिस्टम इंटरफेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है कि यूजर सिस्टम इंटरफेस क्या होता है और उसको हमने समझा है मुख्तलिफ एग्जाम्पल से।